यहाँ पर आप लाइव देखो एक मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ से हमारी 2000 रुपए की जो क्रेडिट लिमिट है वो अप्रूव हो चुकी है। यहाँ पर आप नीचे देखो लिखा हुआ है सैंक्शन क्रेडिट लिमिट 2000। इसके अलावा इस वाली लिमिट की जो पूरी डिटेल्स है वो हमें यहाँ पर नीचे बताई हुई है, आप यहाँ पर लाइव देख सकते हो। अब हम जैसे ही यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करके एक्टिवेट लिमिट पर क्लिक करेंगे तुरंत के तुरंत 2000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। दोस्तों अगर आपको भी कोई इमरजेंसी आ पड़ी है और इमरजेंसी में आपको छोटा मोटा लोन चाहिए, आपको 1000 रुपए से लेकर और 5000 रुपए तक का लोन चाहिए, तो इस वाले वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अनोखा मोबाइल एप्लीकेशन बताने वाला हूं जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के सिर्फ और सिर्फ आप अपने आधार कार्ड के ऊपर और आप अपने पैन कार्ड के ऊपर 1000 रुपए से लेकर और 5000 रुपए तक का लोन ले सकते हो। यहाँ पर आपको केवल 5000 रुपए तक का ही लोन मिलेगा, 5000 से ज्यादा आपको यहाँ पर लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड और आपके पैन कार्ड के अलावा तीसरा आपको यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर आप जैसे ही लोन के लिए अप्लाई करोगे आपके पैन कार्ड के आधार पर आपको जितना लोन मिलना होगा वो आपके सामने आ जाएगा और उसके बाद जैसे ही आप लोन के लिए अप्लाई करके उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तुरंत के तुरंत इंस्टेंट 5 मिनट के अंदर जो भी आपका लोन अप्रूव होगा वो इंस्टेंट ही आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस वाले वीडियो में आपको लोन लेने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको लोन की जो पूरी डिटेल्स है उसका जो प्रोसेस है वो आपको पहले समझना है और उसी के बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आपको लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। अब आपको सबसे पहले आपका पैन कार्ड नंबर डालना है, नीचे आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप सिंगल हैं। उसके बाद आप कहां पर कहां तक पढ़े लिखे हैं वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। आपकी ईमेल आईडी आपको डालनी है और उसके बाद प्रोसीड करना है। उसके बाद अब आपको यहां पर प्रोसीड डिजीलॉकर पर आपको क्लिक करना है और जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो वाला आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना है जिसका आप लोन अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर आपको इमेज में जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम आपको यहाँ पर एबीसीडी और नंबर आपको यहाँ पे लिखना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 6 डिजिट का अपने हिसाब से एक पिन बनाना है डिजीलॉकर का। अगर आप पहली बार इस वाले पिन को बनाओगे तो यहाँ पर बन जाएगा, अगर आपने ऑलरेडी डिजीलॉकर के अंदर अपना पिन बना रखा होगा तो वो वाला पिन आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। अब आप यहाँ पर अलो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी करते हो, आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, जो भी आप हो उसको आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप महीने का कितना कमाते हो, तो जितना भी आप कमाते हो वो इनकम आपको यहाँ पे लिख देनी है। जहां पर भी आप काम करते हो, जॉब करते हो, किसी कंपनी के अंदर काम करते हो तो उस वाली कंपनी का जो नाम है वो आपको लिखना है। वहां पर आपका पद क्या है, डिजिनेशन क्या है वो आपको लिखना है। इसके अलावा आपकी जो इनकम है वो किसके अंदर आती है, बैंक अकाउंट के अंदर आती है या फिर आपको कैश मिलता है या चेक के थ्रू मिलता है वो आपको यहां से सिलेक्ट करना है। चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कम से कम आपको आपकी जो इनकम है वो 25000 रुपए लिखनी है। 25000 रुपए से कम आपको इनकम नहीं लिखनी है, 25000 से ज्यादा भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल्स पूछी जाएगी। जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर आपको पैसा लेना है उस वाले बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप यहाँ पे डालेंगे, बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपके यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा और अब आपको यहाँ पर सामने जो लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं, उसके बाद जो भी आपका नाम है वो आपको बोलना है। यहाँ पर वीडियो में आपको बोलना है, कैमरा आपका स्टार्ट होगा तो जैसे ही आप कैमरे पर क्लिक करेंगे आपका वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो में आपको बोलना है कि मैं, उसके बाद जो भी आपका नाम है वो बोलना है, उसके बाद इस वाले ऐप का नाम बोलना है और बोलना है कि मैं इस वाले ऐप का जो पेमेंट है, जो इसका लोन का पेमेंट है वो टाइम टू टाइम पेमेंट कर दूंगा। इतना बोलकर आपको अपना जो वीडियो है वो यहाँ पर सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जितना भी लिमिट आपके लिए एलिजिबल होगा आपके पैन कार्ड के आधार पर जितना भी लोन आपको मिलना होगा वो आपके सामने आ जाएगा। जिसे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर 2000 रुपए का जो लिमिट है वो अप्रूव हो चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सैंक्शनड ए क्रेडिट लिमिट ऑफ 2000। मतलब आप यहाँ पर 2000 रुपए की जो क्रेडिट लिमिट है वो आपकी यहाँ पर सैंक्शन हो चुकी है।
है। आपकी यहाँ पर कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। 1000 रुपए से लेकर और 5000 रुपए तक की ही आपको यहाँ पर लिमिट मिल सकती है। उसके बाद अब आपको लिमिट लेने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे, आपका जो भी लिमिट होगा उसका जो पूरा ब्योरा है, उसका जो डिटेल्स है, वो आपको यहाँ पर पूरा बता दिया जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ से 2000 रुपए की लिमिट लेते हैं, तो यहाँ पर 2000 रुपए की लिमिट के ऊपर हमारा यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस जो लगेगा वो 100 रुपए लगेगा और इंटरेस्ट जो हमारा लगेगा वो 119 रुपए लगेगा। और यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसा आएगा वो यहाँ पर केवल 1900 रुपए आएगा। बाकी का जो पैसा है 100 रुपए यहाँ पर चार्ज के रूप में काट लिया जाएगा। इसके अलावा 2000 रुपए के ऊपर हमें यहाँ पर जो टोटल रिपेमेंट करना होगा, वापस जो इसको चुकाना होगा, वो यहाँ पर 2119 रुपए चुकाना होगा। तो यहाँ पर पहले आपको आपकी जो डिटेल्स है उसको आपको देखनी है, लोन की डिटेल्स को, और उसके बाद लोन लेने के लिए यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और एक्टिवेट लिमिट पर क्लिक करना है। इतना करते ही अब आपसे यहाँ पर आपके 2 रेफरेंस नंबर आपसे मांगे जाएंगे। जो भी आपके रिलेशन में हो उसका फोन नंबर डाल देना है, उसका नाम डाल देना है और आपका क्या उसके साथ रिलेशन है वो डाल देना है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद इस वाले पैसे को बैंक में ट्रांसफर करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफर मनी का, आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड बैंक अकाउंट का, आप ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट आप ऐड कर लेंगे, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, जिसमें भी आपको पैसा ट्रांसफर करना है। उसके बाद जितना भी पैसा आपको ट्रांसफर करना है वो आप यहाँ पर एंटर अमाउंट में लिखेंगे। उसके बाद किस वजह से आप इस वाले पैसे को बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो वो वाला रीजन, वो वाला पर्पज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऐड मनी पर क्लिक कर देंगे। तो जो भी आपका पैसा होगा, जितना भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, डालोगे, वो इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जितना भी पैसा खर्च करोगे, जितना भी आप लोन लोगे, वो आपको नेक्स्ट मंथ चुकाना होगा। जितने महीनों के लिए आपको मिलना होगा उसके बाद आपको चुकाना होगा। तो उस वाले पैसे को चुकाने के लिए इस वाले ऐप को आपको ओपन करना है और इस वाले ऐप के डैशबोर्ड में जितना भी आपका लोन चल रहा होगा वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। और यहीं पर आप पे बिल पर क्लिक करके अपने लोन का जो रिपेमेंट है वो आप यहीं से कर सकते हैं। तो अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेना है तो इस वाले ऐप का नाम है फिनसारा एवरीडे क्रेडिट लिमिट। इस वाले ऐप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करो और लोन के लिए अप्लाई करो।